तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का एक और मैच मुकाबला जो कि खेलेगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो ये मैच स्टार्ट होगा कल 27 अप्रैल 7:30 पर मैच चलेगा, तो यानी कल शाम को 7:30 बजे मैच चलेगा। अभी यहाँ पे कोई प्री लीग और हेड टू लीग प्री लीग और ग्रैंड लीग कोई ऐड नहीं हुआ है, पर यहाँ पे हेड टू लीग आप ज्वाइन करके आप आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। और आपको फ्री लीग और बोनस लीग दिखेगा आज रात को या कल सुबह तक, आपको फ्री लीग और दोनों बोनस लीग आपको दिख जाएंगे। वो दोनों को ज्वाइन करके आप आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा ऐप है, फ्री में आप विन कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें भी आप विन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा ऐप है, अगर जरूर एक बार ट्राई करो। तो इसमें बात करें, कोई पहले कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट देंगे और उसके बाद मेरा फाइनल टीम आपको दिखाऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते वीडियो को, पहले देते कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे सी एस के प्लेइंग इलेवन देख लेते, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। डीवन का भी ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, वन डाउन मोइन ला सकते हैं। बाद में बेन स्टोक्स, अंबर ट्रेडू, शिवम दुबे, MS धोनी, मिशेल सैंडर की जगह डेविन पेटर्स आ सकते हैं, और जडेजा, दीपक चहर और तुषार देशपांडे एक प्लेइंग इलेवन हो सकती है चेन्नई की। वही तो मैच प्रीव्यू में द पिच रिपोर्ट में क्या है, तो द पिच विल सपोर्ट बैटिंग, सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड स्कोरिंग है। और यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है सिर्फ 155 रन है, तो बैलेंस विकेट बोल सकते हैं, बैटिंग बॉल दोनों सपोर्ट कर सकता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 246 रन बना था और लोएस्ट यहाँ पे 70 रन बना था। टोटल T20 121 यहाँ पे खेला है, और बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे 64 जीता है और बैटिंग सेकंड यहाँ पे 55, तो उतना खास नहीं है, दोनों इक्वल है, इक्वल यानी दोनों थोड़ा सबर है, थोड़ा ईजी है। तो अब तो अगर यहाँ पे देख लो, चेन्नई ने पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ 12 रन से मैच जीत गया है। तो उससे पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने 217 रन बनाए थे, 7 विकेट खोए, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ 57 रन, धुवन कॉर्नर 47, शिवम दुबे 27, 19 मोइन अली बना था, 7-8 बेन स्टोक 27, अंबर ट्रेडू, रविंद्र जडेजा 3 रन बनाया गया था, धोनी ने 12 रन और सैंडर ने 1 रन बनाया गया था। वही बॉलिंग में चेन्नई के बॉलर में 4 विकेट लेकर था मोइन अली, तुषार देशपांडे 2 विकेट और मिशेल सैंडर ने 1 विकेट ले गया। तो एक आसानी से मैच जीत गए थे यहाँ पे चेन्नई ने। और यहाँ पे मुंबई वर्सेज बेंगलुरु हुआ था, उसमें मुंबई बुरी तरह हार के आएगी। पहले मुंबई ने बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, 7 विकेट खोकर, उसमें रोहित शर्मा एक पर आउट हो गया था, ईशान किशन 10 रन, ग्रीन 5 रन बनाकर आउट होता, 15 रन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा 84 रन बनाया था, नियल वाड्रे 21 रन, टीम डेविड 4 रन, ऋतिक स्ट्रोकिन 5 रन और आशीष खाने 15 रन बनाया गया था। वही यहाँ पे बॉलर में 3-2 विकेट चला था, सिर्फ दो विकेट मुंबई के। वही अर्जद खान 1 विकेट लेकर था और कैमरून गिल ने 1 विकेट लेकर था, और कोई बॉलर ने यहाँ पे विकेट नहीं लेकर था। तो ये हुआ कुछ धोनी का पिछले मैच का स्कोर कार्ड। अब देख लेते हैं सीएसके के कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड। तो यहाँ पहले आते हैं डीवन कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने पिछले मैच सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुआ था, उससे पहले फिर से 1 रन, उससे पहले 11 रन, 52 रन और 59 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, कभी भी चल सकता है, बोल नहीं सकते, तो उनको जरूर ट्राई करना, एक अच्छे पारी के लिए आ सकता है। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच 92 रन की पारी लिखाया था, उससे पहले 19 रन, 114 रन, 38 रन और 12 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, ओपनिंग करता है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो इनको जरूर ट्राई करना, और कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। मोइन अली पिछले मैच वन डाउन बैटिंग करने आया था, 23 रन बनाया गया था, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 15 रन, 8 रन, 2 रन बनाया गया था। पिछले मैच बॉलिंग नहीं गया था, उससे पहले 0 विकेट और 3 मैच 1 1 विकेट लेके आया था। बेन स्टोक्स पिछले मैच 7 रन बनाकर आउट हो गया था, उससे पहले 52 रन, 42 रन और 8 रन बना के आया था, तो एक बॉलिंग भी नहीं करता पिछले मैच में, और एक बॉलिंग करता तो ये भी विकेट लेके आ सकता था। अंबर ट्रेडू पिछले मैच 12 रन बना के आया था और उससे पहले 9 रन, उससे पहले 33 रन और 0 रन बना के आया था। बहुत बड़ा बैट्समैन है, आप इनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। MS धोनी पिछले मैच 14 रन की नॉट आउट पर खेल गया था, उससे पहले 26 रन, उससे पहले 7 रन, 36 रन और 21 रन बना गया था। प्लेयर अच्छा है, कभी भी चल सकता है, तो उनको ट्राई करना, अगर रिस्क लेना चाहते हो आपको इनको रिस्क लेना चाहते हो तो आप निकोलस पुरन की जगह यहाँ पे MS धोनी के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा, पिछले मैच 1 रन बनाकर आउट हुआ था, उससे पहले 58 रन, 16 रन, 45 रन बनाया गया था और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट लेके आया था। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मिशेल सैंडर, पिछले मैच 1 रन बनाकर आउट नहीं होता, 22 रन, उससे पहले 18 रन और उससे पहले 13 रन बनाया गया था। बैटिंग से तो उतना अच्छा नहीं इनका, और बॉलिंग से भी कभी कभार विकेट लेके आता है, तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। डेविन पेटर्स अगर खेलता है तो बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है, पिछले मैच 10 रन, 48 रन बनाया गया था और पिछले मैच 1 विकेट लेकर था, उससे पहले 2 मैच विकेट नहीं लिया था। शिवम दुबे पिछले मैच में 19 रन बनाया गया था, उससे पहले 25 रन, उससे पहले 28 रन, 29 रन, 26 रन बनाया गया था।
प्लेयर अच्छा है, भी कभी भी चल सकता है। दीपक चहर पिछले 2 मैच विकेट नहीं लेता, उससे पहले 1 विकेट। राजवर्धन हंगरेकर पिछले मैच 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट लेके आ रहा था। और तुषार देशपांडे पिछले मैच 1 विकेट लेके आया था। और मोइन अली 1 मैच 35 रन, अंबर ट्रेडो 1 मैच 27 रन बनाया गया था। बॉलिंग में प्रिटोरियस 2 विकेट लेके आया था और तुषार देशपांडे भी 1 विकेट लेके आया था। सो टॉप परफॉर्मेंस एट दिस वेन्यू, इस वेन्यू में कौन टॉप परफॉर्मेंस है? बेस्ट स्टॉक्स 1 मैच 46 रन बनाया गया है इस वेन्यू में। और एम एस धोनी 54 मैच 1363 रन बनाया गया है, 22 का बैटिंग एवरेज इनका। और रविंद्र जडेजा 38 मैच 19 विकेट्स, दीपक चहर 8 मैच 10 विकेट, मिशेल सैंडर 2 मैच 2 विकेट, मोइन अली 1 मैच 1 विकेट और बेस्ट स्टॉक्स ने 1 मैच 1 विकेट लेके आया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एम एस धोनी, पिछले मैच है स्किपर थे और भी स्किपर भी इस मैच भी बैट नंबर 6 या 7 पर आते हैं। T20 एवरेज इनका 38 का है, लास्ट 5 मैच 92 रन बना के आ रहा है। और गेट पॉइंट्स फ्रॉम ग्लोव यानी विकेट के से भी पॉइंट आपको दे सकते हैं और मस्तिक इनको भी आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं फिर ऋतुराज गायकवाड़, एग्रेसिव ओपनर है, T20 एवरेज इनका 37 का है, लास्ट 5 मैच 294 रन बना के आ रहा है, लीडिंग रन स्कोरर है ये भी इस मैच में। और मस्ट हैव पिक है, इनफॉर्म प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। डिवन कॉनवे एग्रेसिव ओपनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, T20 एवरेज इनका 44 का है, लास्ट 5 मैच 164 रन बना कर रहा है और ये भी एक मस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी ट्राई करना। अंबर टिटाडो राइट हैंड बैट्समैन है, बैट नंबर 4 या 5 पर आती है, क्वालिटी एंड हार्ड बैट्समैन है, T20 एवरेज इनका 27 का है, लास्ट 5 मैच 97 रन बना कर रहा है और भी एक ट्रम्प कार्ड पिक बन सकता है। अजय गिरान है, राइट हैंड बैट्समैन है, ओपनर कर सकते हैं या 5 या 6 पर आ सकते हैं, T20 एवरेज इनका 30 का है, लास्ट 5 मैच 80 रन बना कर है, डिसेंट हिटर है और इनको ग्रैंड में ट्राई करना अगर ये खेलते हैं तो। मॉडल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, विल कंट्रीब्यूट बैट एंड बॉल और बैट नंबर 3 या 4 पर आ सकते हैं, T20 एवरेज इनका 27 का है, लास्ट 5 मैच 74 रन बना के 7 विकेट लेकर आ रहे और एक मस्ट टॉपिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना इनको अगर बॉलिंग करते हैं तो। मिस सैंडर स्लो लेफ्ट आर्म और प्लस बॉलर है, विल कंट्रीब्यूट बैट एंड बॉल, T20 एवरेज इनका 29 का है, लेट हिटिंग है, लास्ट 5 मैच 82 रन बना के आ रहा और 7 विकेट लेकर है, तो ये भी एक मस्ट पिक बोल सकते हैं इनको भी। मोइन अली लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर भी, विल कॉन्ट्रीब्यूट बैट एंड बॉल, बैट एट नंबर 3, T20 एवरेज इनका 26 का है, लास्ट 5 मैच 109 रन बना के आया था और 5 विकेट भी लेकर आ रहे और मस्ट है पिक के भी और इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। जडेजा स्लोअर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, विल कॉन्ट्रीब्यूट बैट एंड बॉल, T20 एवरेज इनका 26 का है, लेट हिटिंग है, लास्ट 5 मैच 50 रन बनाकर और 1 विकेट लेकर आ रहे, मस्ट है पिक है, इन फॉर्म में भी है, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। शिवम दुबे राइट हैंड बैट्समैन है, बैट नंबर 4 या 5 बना सकती है, T20 एवरेज इनका 26 का है, लास्ट 5 मैच 102 रन बना के रहे, प्लस 4 विकेट प्लस एक ट्रम्प कार्ड पिक ये बन सकते हैं। राजवर्धन लास्ट 5 मैच 8 विकेट, दीपक चहर 5 मैच 3 विकेट और तुषार देशपांडे एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं और जय देव उन्होंने का डेवी अच्छा बॉलर है इनको भी ट्राई करना। एस मंगला लीडिंग विकेट 5 मैच 6 विकेट लेकर है, बहुत बड़े बॉलर है अगर एक खेलता है इनको भी जरूर ट्राई करना। तो अभी के लिए कुछ धोनी के प्लेयर के स्टैट देख ले, तो चलो राजस्थान के जॉस बटलर, एसएससी जयसवाल, देवदत्त पर्रिकर, संजय सैमसन कैप्टन हो सकते हैं, शिमरन हेटमैन, जेसन होल्डन, रियान पराग, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजन चहल और संदीप शर्मा ये उनके पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं राजस्थान के। तो पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे देखो, दिस पिच विल सपोर्ट बैटिंग सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड स्कोरिंग गेम हियर। तो एक बैटिंग पिच है, एक गुड स्कोरिंग गेम हो सकता है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग 160 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बना है 231 रन बना के आया, 2 विकेट खो के, ये यहाँ पे स्कोर हाईएस्ट स्कोर है इस पिच में। और लोएस्ट है 80 रन बना के आउट हो गए थे सब लोग। टोटल 64 मैच खेले हैं यहाँ पे, 21 बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट उनको है और 35 बैटिंग सेकंड विन किया, तो यहाँ एक चेजिंग पिच बोल सकते हैं आप भी। आप देख लेते हैं राजस्थान कुछ प्लेयर के स्टेट्स। तो जॉस बटलर पहले आते हैं यहाँ पे, राइट टाइम बैट्समैन विकेट कीपिंग करेंगे, यहाँ पे पिछले मैच 40 रन बना गया है, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 67 रन, उससे पहले 13 रन और उससे पहले 70 रन बना गया है। ऐसा जो जयसवाल लेफ्ट टाइम बैट्समैन है, पिछले मैच 27 12 रन, 13 45 और 7 रन बना गया। तो नेक्स्ट आते हैं वन डाउन बैटिंग करने आते हैं देवदत्त पर्रिकर, जो कि पिछले मैच 28 रन बनाए गए थे, उससे पहले 22 रन, 0 रन, 9 रन और 124 रन बनाए गए थे 62 बॉल में। प्लेयर अच्छा बैटिंग करके आ सकता है तो उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन एक राइट टाइम बैट्समैन है, कैप्टन भी है, पिछले मैच 5 रन, 59 रन, 4 रन, 61 रन और 3 रन बना के आ रहा है। शिवमन हटमर 15 रन, 37, 10 रन, 23 रन और 36 रन बना के आ रहा है, एक हार्ड बैट्समैन है तो नीचे बैटिंग करना था पर कभी एक बार फिनिश भी करके जा सकता है। जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर है, पिछले मैच है 13 रन, 28 रन,
7 रन और 10 रन बना के था और विकेट में पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 3 मैच में 0 विकेट लेके आ रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट होते हैं रियान पार्क, जो कि पिछले मैच 75 रन बना के आया था, उससे पहले 2 रन, 49 रन, 52 रन और 28 रन बना के आ रहा है। पिछले मैच में विकेट नहीं लेता, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट लेके आ रहा था। आर अश्विन पिछले मैच 0 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट और 1 विकेट, 2 विकेट लेकर आया। एक बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है। ट्रेंट बॉल पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लेकर आया था और उससे पहले 2 मैच से विकेट नहीं लेकर आया था। और विजय चहल पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट लेकर आया है। संदीप शर्मा पिछले 4 मैच में अच्छा विकेट लेकर आया, 1 मैच 3 विकेट और 1 मैच 1 विकेट लेकर आ रहा है। तो टॉप परफॉर्मेंस वेन बोथ टीम फेस अप, यानी दोनों टीम के हेड टू हेड मुकाबले खेले तब कौन टॉप परफॉर्मेंस थे, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो संजू सैमसन 19 मैच में 670 रन बना कह रहे हैं, 48 का एवरेज है। सिमरन हटमर 8 मैच 196 रन, 33 का एवरेज है। रियान पराग 6 मैच 1800, जॉस पटेल 10 मैच 232 रन और इनका 29 का एवरेज है। बॉलिंग में चल 17 मैच 20 विकेट, ट्रेंट बोल 9 मैच 11 विकेट, अश्विन 16 मैच 9 विकेट, संदीप शर्मा 8 मैच 9 विकेट, एडम जंपर 2 मैच 7 विकेट और जेसन रोलर ने 5 मैच 5 विकेट लेके आ रहा था। टॉप परफॉर्मेंस एट दिस इस वीडियो में वेन्यू में कौन टॉप परफॉर्मेंस थे। संजू सैमसन 5 मैच 232 रन, 77 का हाईएस्ट स्कोर है। संदीप शर्मा 16 मैच 15 विकेट, अश्विन 4 मैच 4 विकेट, चहल 5 मैच 3 विकेट और एडम जंपर 1 मैच 2 विकेट लेकर आए आ सकते हैं। अब देखते थोड़ा डिटेल एनालिसिस क्या रहेगा प्लेयर को। तो यहाँ पे पहले विकेट की सिस्टम है, जॉस बॉलर आते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, एक एग्रेसिव ओपनर है। T20 एवरेज इनका 34 का है। लास्ट 5 मैच 217 रन बना के रहे, मस्ट पिक है। हॉट कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, आपके अपोनेंट टीम भी कर सकता है। संजय सैमसन ये भी स्कीपर है, बैट नंबर 3 और 4 पे आते हैं। क्वालिटी एड हाई रेटेड बैट्समैन है। T20 एवरेज इनका 29 का है। लास्ट 5 मैच 140 रन बना कर रहे और ये मस्ट पिक बोल सकते हैं, इनको हेल्थ है। देवदत्त पटिकल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकता है या बैट नंबर 3 पर आ सकता है। क्वालिटी हिटर बैट्समैन है। T20 एवरेज इनका 35 का है। लास्ट 5 मैच 183 रन बना गया है और एक ट्रम्प कार्ड पिक इनको बोल सकते हैं। एसएसयू जयसवाल एग्रेसिव ओपनर है। T20 एवरेज इनका 24 का है। लास्ट 5 मैच 104 रन, क्वालिटी हिटर है, ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं। और रियान पराग ये भी ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि 26 है एवरेज इनका बैटिंग एवरेज। बैट नंबर 5 या 6 पर आ सकते हैं। लास्ट 5 मैच 206 रन बना गया है, प्लस 5 विकेट भी लेकर है, तो इसलिए इनको ट्रम्प कार्ड बोल सकते हैं। सिमरन हेटमर पास बैट नंबर 5 या 6 पर आ सकते हैं। क्वालिटी एंड हार्ड हिटर बैट्समैन है। T20 एवरेज इनका 29 का है। लास्ट 5 मैच 121 रन बनाया गया और ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में। तो अभिषेक सिंह है, जो कि बैट नंबर 3 या 4 पर आ सकते हैं। लास्ट 5 मैच 193 रन बना कह रहे हैं, ये भी ग्रैंड लीग हो सकते हैं। और जो रूट बैट नंबर 3 या 4 पर आ सकते हैं। क्वालिटी हिटर बैट्समैन T20 एवरेज इनका 30 का है। लास्ट 5 मैच 102 रन, 3 विकेट भी लेकर है, अगर खेला जाए तो मस्ट पिक बन सकता है। ऑलराउंडर पे नवदीप सहनी विल बॉल इन पावर प्ले डेथ ओवर, लीडिंग विकेट देकर है, 5 मैच 10 विकेट लेकर है, खेलता है जरूर ट्राई करना। संदीप शर्मा विल बॉल इन पावर प्ले मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आता है, 5 मैच 6 विकेट लेकर है, तो ट्रम्प कार्ड पिक बोल सकते हैं संदीप शर्मा को। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट हैंड बॉलर है, विल बॉल इन पावर प्ले डेथ ओवर, कंसिस्टेंटली विकेट टेकर बॉलर है। लास्ट 5 मैच 4 विकेट, मस्ट है पिक है, कैपेबल टू टुक बल्क विकेट्स, बल्क में विकेट ले सकता है। फाजिल अफार की बहुत बड़ा बॉलर है, खेलता है जरूर ट्राई करना, एक अच्छे बॉलर है भी। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है यहाँ पे ओबीडी मैक्रो, ये बहुत बड़ा बॉलर है, ट्रम्प कार्ड पिक बोल सकते हैं अगर ये खेलता है तो। मैक्रो जेंसन लेफ्ट हैंड बॉलर है, विल बॉल इन पावर प्ले कंसिस्टेंटली विकेट टेकर बॉलर है, 5 पर 7 विकेट लेकर है, अगर खेलता है तो मस्ट पिक बोल सकता हूँ मैं। स्पिन बॉलर में अश्विन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, लेट हिटिंग है, लास्ट 5 मैच 6 विकेट लेके आ रहा है और एक ट्रम्प कार्ड है। विजय चहल राइट आर्म गुगली बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, कंसिस्टेंटली विकेट लेके आ रहा है, लास्ट 5 मैच 4 विकेट लेके आ रहा है और ये भी ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है। आदिल रशीद राइट आर्म लेफ्ट ब्रेक बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, ये भी कंसिस्टेंटली विकेट लेके आता है, लास्ट 5 मैच 8 विकेट लेके आ रहा है और ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं। माइक मार्कंडे आई थिंक डाउट रहेगा, अगर खेलता है तो ग्रैंड में ट्राई करना। एडम जंपर राइट आर्म गुगली बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, 5 मैच 8 विकेट लेकर है, अकेला हुसैन डाउट रहेगा और मुर्गन अश्विन भी डाउट रहेगा। तो अगर अभी के लिए कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट देख लेते तो चलो अब टीम से मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ तो मैं इसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूंगा आपके सामने। चलो गाइस टीम देख लेते हैं। तो वैसे आप देख लो मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ तो मैं उसको एडिट करके दिखा दूंगा आपके सामने। तो अगर एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, इस टीम में पहले मैं 4 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। पहले आप लूँगा मैं SSB जयसवाल को, जो कि पिछले मैच उन्होंने
47 रन बनाया गया था। उससे पहले मैच उन्होंने यहाँ पे 44 रन, उससे पहले फ्लॉप हुए थे गुजरात के खिलाफ 1 रन, और उससे पहले चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 10 रन बनाए गए थे। और चेन्नई का दूसरा मैच है, चेन्नई 10 रन, तो एक अच्छे बैट्समैन ये भी। अजय खराने पिछले मैच में बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके आए थे, 71 रन की, उससे पहले मैच 9 रन, उससे पहले 37 रन, उससे पहले 31 रन बनाए गए थे। प्लेयर बहुत बड़ा, हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, इसकी वजह से मैं रहने का सलाह दूंगा। नेक्स्ट आप लोगों के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को, जो पिछले मैच है उन्होंने 35 रन बनाए गए थे, उससे पहले 35 रन फिर से, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 8 रन बनाए गए थे, राजस्थान के खिलाफ फ्लॉप हुए थे, पर मुझे लग रहा है इस मैच में चल सकते हैं। और अब मेरा लास्ट पिक रहेगा बैट्समैन में देवदत्त पटेकल, जो कि पिछले मैच है 52 रन बनाया गया था, उससे पहले 26 रन, 26 रन फिर से, और उससे पहले 38 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर गया हर मैच, तो इसकी वजह से मैं देवदत्त पटेकल के साथ जाऊँगा। विकेट के पे दो विकेट के साथ जाऊँगा, पहले आप लोगों को डिवन कॉनवे को, पिछले मैच 56 रन बनाया गया था, उससे पहले 77 रन, उससे पहले 83 रन बनाया गया था, उससे पहले 50 रन, तो लगातार लास्ट चार मैच में 50 प्लस रन बनाया गया था, इसकी वजह से मैं डिवन कॉनवे के साथ जाऊँगा। जॉस पटेकल का पिछले मैच 0 पर आउट हो गए थे, पर उससे पहले मैच 40 रन, 0 फिर से, उससे पहले 52 रन बनाए गए थे। प्लेयर अच्छा बाउंस करके आ सकता है, इसके बाद मैं जॉस पटेल के साथ जाऊँगा। आउट ऑफ पे सिर्फ एक ही आउट के साथ जाऊँगा मैं, वही रविचंद्र अश्विन, जो कि पिछले मैच उन्होंने 12 रन बनाए के एक विकेट लगाए थे, उससे पहले 3 रन बनाए के 2 विकेट, उससे पहले 10 रन, और उससे पहले 30 रन बनाए के 2 विकेट लगाए थे। प्लेयर अच्छे बैटिंग कर, बॉलिंग बैटिंग अच्छे करके आता है, इसकी वजह से मैं अश्विन के साथ जाऊँगा। बॉलिंग में 4 बॉलर के साथ जाऊँगा मैं, पहले आप लूँगा ट्रेंट बॉल को, जो कि पिछले मैच 2 विकेट लगाया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले 3 विकेट लगाए थे। प्लेयर अच्छा है, अच्छा बॉलिंग करके आ सकता है, इसकी वजह से मैं ट्रेंट बॉल के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट है पिक के मैं विजय चहल को, जो कि पिछले मैच उन्होंने 1 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं लिया था, उससे पहले 1 विकेट, और चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट लगाया था। बहुत बड़ा बॉलर है, अच्छा आपको विकेट लेके दे सकता है। और यहाँ पे और एक बॉलर लूँगा मैं, तुषार देशपांडे को, जो कि पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले फ्लॉप होता है, उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट। प्लेयर अच्छा है भी, एक भी अच्छा बॉलिंग करके आपको विकेट लेके आ सकता है। और अभी मेरा लास्ट बॉलर रहेगा मदीसा प्रतिहारन, जो कि बहुत बड़े तौर बॉलिंग करने आता है, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेकर आता, लगातार हर मैच विकेट लेकर आता, तो मुझे लगता है इस मैच में विकेट लेकर आ सकता है। तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें, अभी मेरा कैप्टन रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ को, मैं कैप्टन बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन बनाऊंगा यहाँ पर मैं देवदत्त पटेकल को। तो क्या मैं स्मॉल टीम रहेगी, ए सेम टीम जिस जाऊँगा मैं, फ्री लीग आने के बाद जरूर जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।